सुबह सुबह मौसम इतना अमेजिंग हो रहा है ना, इतना अमेजिंग हो रहा है। देखो यहाँ पे सनराइज हो रहा है। देखो मैंने एक बार भी वाइपर नहीं चलाया, आप यहाँ पे कट देख के समझ सकते हो, एक बार भी वाइपर। ये ग्लास पे सेरेमिक कोटिंग किया हुआ है और इसका एडवांटेज देख के तो भाई मैं खुद ही चौंक गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे जो ड्रॉपलेट्स वो सीधा ऊपर भाग रहा है। पीछे से गाड़ी को देखने पे थोड़ा बहुत गंदगी नजर में आ रहा है, ये शायद यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा होगा। क्या चीज है भाई ये सेरेमिक। मेरे सामने जो फॉर्च्यूनर जा रहा है ना, ये मेरे साथ गोलाघाट से एक साथ आ रहा है। इसका पीछे का हालत देखो और अपने पीछे मतलब अपना गाड़ी का पीछे का हालत देखो, दिख रहे हो पूरा लाल हो चुका है, पूरा लाल। ये नॉर्मल कंडीशन में है और अगर सेरेमिक करोगे तो पहले जैसा मैं दिखाया अपने गाड़ी का कंडीशन वैसा रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली गुड। बहुत दिनों के बाद फिर से एक नया व्लॉग में मैं वापस आ चुका हूँ और फिर से हिंदी में वापस आ चुका हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक काम के सिलसिले में, बोल सकते हैं काम के सिलसिले में बाहर। और अभी मेरे साथ आप देख पा रहे हैं दीदी नहीं है, दीदी नहीं जा रही है और हम जा रहे हैं सोलो। अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 5:15 और हम हो गए हैं बहुत ज़्यादा यार पॉइंट पर, हम हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट। 5 पक्का मेरे को यहाँ से स्टार्ट कर लेना चाहिए था लेकिन मैं लेट हो गया एज यूजुअल, इसी का उसमें चालू नहीं। चलो पहले नीचे उतरते हैं, गाड़ी निकालते हैं, फिर जाते जाते बात करते कहाँ जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं एंड किस लिए जा रहे हैं। भाई मैं ज़्यादा चिल्ला के बात नहीं कर सकता, हर एक बंदा सो रहा है भाई यहाँ पे, मम्मी भी सो रही है। जो दिखाना था वो है आसमान का कलर, देखो शायद रास्ते पे बहुत तेज़ बारिश मिलने वाला है, यहाँ पे देखो। और अपना बैग रेडी है अपने साथ, लगेज मैंने डाल दिया है और बैग वेती जी को सामने बिठा दिया है। चलो लेट्स स्टार्ट विद जर्नी। एंड ये सब मॉडिफिकेशंस ये सब करने के बाद ये गाड़ी लेके अपना होने वाला है पहला रोड ट्रिप। रोड से ही जा रहे हैं इसलिए क्योंकि भाई आपको तो पता ही है ट्रेन और फ्लाइट से ज़्यादा मेरे को रोज़ अच्छे लगते हैं। तो भगवान का नाम लेते हुए ये वाला जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जय बजरंगबली। और ऐसा हो रहा है कि पहली बार मेरे गाड़ी में एक दाग फ्यूल कम है तो उसको रिफ्यूल करना है और ट्रिप को ज़ीरो करना है। सो लेट्स स्टार्ट, इसको ट्रिप भी को ज़ीरो कर देते हैं यहाँ पे। चलिए सुबह सुबह मौसम इतना अमेजिंग हो रहा है ना, इतना अमेजिंग हो रहा है। देखो यहाँ पे सनराइज हो रहा है और पहली बार ऐसा है कि मैं इतना लेट हूँ कि सन निकल गया। कहीं बाहर निकलने के टाइम पे मैं सबसे जल्दी निकलने के प्रक्रिया में रहता हूँ क्योंकि मेरे को दिखना है भाई सनराइज रास्ते में जाके हाईवे पे चढ़ने के बाद। लेकिन भाई आज तो यहीं पे सनराइज हो गया। तो जो भी है, ये आज का वेदर अगर पूरा दिन ऐसा ही रहा ना तो भाई मस्त मस्त, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो सकता। और ये वाला बांग्ला गान से हम लोग स्टार्ट करते हैं हर जर्नी को ऐसे स्मूथ एनवायरनमेंट में। आज का जो वेदर है ना भाई एकदम क्लाउडी क्लाउडी सा है अभी तक के लिए, अभी पता नहीं कब बारिश आ जाएगा, मतलब पता नहीं कब धूप निकल जाएगा। अगर भाई बारिश आ गया तो मजे ही मजे, क्या मजे ही मजे भाई, बारिश ही तो चाहिए, मानसून में निकले हैं, वही सब होता है मानसून में कि बारिश आ जाए और हम वाइपर चलाते हुए हाईवे से ग्लाइड करते हुए जाए। कोलकाता से बाहर जो लोग गाड़ी लेके जाने वाले हैं उनके लिए एक छोटा सा इनपुट है, मेजॉरिटी लोगों को शायद ये पता होगा कि यहाँ पे जो रास्ता है ना, ये एयरपोर्ट एक नंबर गेट से निकलते हुए लेफ्ट जो आपका एक्सप्रेस वे कनेक्ट करता है बेलगाछिया में, बेलघोड़ी एक्सप्रेस वे में, ये वाला रास्ता नया बन रहा है तो इसका भी स्ट्रेच एक्सट्रीमली वाइड होने वाला है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है बहुत सारे जगह में। एंड जो लोग निकलने वाले हैं उनके लिए कंफर्ट अलग ही लेवल में,
अभी थोड़ा डाउन में थोड़ा कंजेशन तो हो रहा है, लेकिन ये वाला रास्ता ऑलरेडी बहुत क्लियर हो गया है। आज का टोल अपन ने पहले कटवा दिया है, मतलब पहले कटवा दिया मतलब पहला टोल आज का कट गया, जो कि विवेकानंद ब्रिज वाला 50 रुपए का था, मात्र 50। मैं नीचे से जा सकता था लेकिन मैं ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुका हूँ, इसलिए मैं नीचे से भाई आज नहीं गया। तो जी, जिस मेहमान का इंतजार था मिस्टर बारिश, वो आप देख ही सकते हैं, हल्का हल्का ड्रिजलिंग ऑलरेडी चालू हो चुका है। रास्ता क्या लग रहा है भाई साहब, लेंस के थ्रू रास्ता इतना 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 अमेजिंग लग रहा है ना, क्या बताएं आपको। जो भी है, बारिश में टेंशन लेने का दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी अपना फुल्ली प्रोटेक्टेड विद सेरेमिक कोटिंग, अपना एलॉय, अपना बॉडी, अपना ग्लास, अपना सब कुछ, इवन फाइबर जो ट्रिम होता है ना वो भी सेरेमिक कोटेड है, तो उसको लेकर कोई भी टेंशन नहीं है भाई। और दूसरी बात है ये कि आप देख सकते हैं खिड़की खोल के मैं चला रहा हूँ, क्यों पता है, क्योंकि ये सुबह का जो एसेंस है ना, जो हाँ जी भैया आप जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ, सुबह का जो ये खुशबू है, सुबह का जो ये एयर है, नॉन पोल्यूटेड एयर, यहाँ पे तो वैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वो बात अलग है, लेकिन ये जो फ्रेश सुबह का एयर है ना, ये लेना मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें एक अलग ही एसेंस आता है। ये देखो भाई, पहला वाइपर चला दिया आज के दिन के लिए, और वाइपर ब्लेड्स भी नया है, कल ही मैंने डलवाया है भाई। ये बस को देखो, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, हॉर्न मार रहा है, इधर जा रहा है, मतलब सांप बन गया है भाई सांप। ऐसे आप ना चलाया करिए दया करके। इनका दूसरा टोल आ गया है जो कि है फेमस दुनागढ़ टोल अपना, एंड ये रहा दुनागढ़ इंडस्ट्रियल पार्क। यहाँ पे अपन का कटने वाला है शायद 90 रुपया या 75 रुपीज़ ऐसा कुछ, या फिर 149, भूल गया भाई, बहुत दिन आया नहीं मैं, देख लियो। ओ देखो बोर्ड देख रहा है, ठीक है देख लो, 130 भाई, 130। कट जा सिम सिम, कट जा सिम सिम। चलो जी, कट गया अपना 130 रुपया, और हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स चाय का दुकान, जो अपना है फेमस स्टॉप, जहाँ पे सुपरवर्क्स वगैरह सब कुछ रुकता है, हम भी वहाँ पे रुकते हैं। तो चलो चलते हैं, थोड़ा चाय शाय पीते हैं। सुबह चालू तो किया था हम लेट आधे घंटे, अभी बज रहे 6:26, और एक घंटा भी नहीं हुआ, हम 15 मिनट के एक तो कॉफ़ी ब्रेक भी लिए थे, उसके बावजूद मैं यहाँ पे अभी उलुबेरिया क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि रास्ता है खाली, और अपना एवरेज स्पीड जो हम मेंटेन कर रहे हैं आज, वो है अपना 110 से लेके 120, 130 मैक्सिमम 140 तक, तो एवरेज नहीं है वो, थोड़ा ज़्यादा ही हो जा रहा है, मतलब 120, 110 एवरेज है अपना। सो बहुत सारा बाइकर्स भी देखा मैं सुबह सुबह, वो लोग घूमने जा रहे हैं कहीं पे, तो अभी ये बाइक लेके घूमने का ना बहुत अलग ही मन है, हमको लगता है हमको भी एक बार करना चाहिए एक तो बाइक लेके, क्या बोलते हैं पब्लिक, पब्लिक क्या चाहता है। ये देखो, ये भी लोग रोड ट्रिप के लिए निकले हुए हैं, चलो रास्ते को एंजॉय करते हैं। सीन तो भाई खतरनाक वाला है, क्योंकि क्लाउड ही क्लाउड है, बारिश का तो कोई नामो निशान नहीं है। उलुबेरिया से 10 मिनट के अंदर हम देवल्टी पहुंच गए हैं, देवल्टी अभी क्रॉस कर रहे हैं, एंड अभी देखो ना टाइम कितना हो रहा है, ये अपना 6:37, 26 में उलुबेरिया क्रॉस किए थे, तो यहाँ से कोलाघाट ऑलमोस्ट आ ही गया है। कोलाघाट में एक तो रुकेंगे, क्योंकि भाई साहब थोड़ा बहुत एसिडिटी होने लग गया है, पता है क्यों, ये सुबह सुबह अगर दूध वाला कॉफ़ी पी लेना हम एक बार, बस फिर तो वो जलाएगा अंदर, हमको एस्प्रेसो पीना था लेकिन एस्प्रेसो मिला नहीं। ये अपन पहुंच गए हैं कोलाघाट ब्रिज, और नीचे चला गया था सोनार बांगला होटल वोटल रिसोर्ट जो भी है यहाँ पे, और ये है अपना कोलाघाट का ब्रिज। हमको पक्का लगा 4:10, 14 मिनट में हम उलुबेरिया से कोलाघाट पहुंच गए भाई। तो हम आ गए हैं यहाँ पे होटल एंड रेस्टोरेंट, क्या होटल, राधा कृष्णा, यहाँ से लेंगे थोड़ा बिस्किट तो है अपने पास, केक ले लेंगे, और अपन फिर से निकल लेंगे टुवर्ड्स अपने गंतव्य स्थान में। कहाँ जा रही है आपको, अभी निकल के बताएंगे। जो भी खा रहे हो भैया कृपया करके गंदा ना करें, डस्टबिन में फेंके, गाड़ी का हालत देख रहे हो पूरा साफ चौचक, क्यों पता है सिरेमिक किया हुआ है, लेकिन
यहाँ पे खाली थोड़ा 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 मिट्टी लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक तो सिचुएशन में था कि तीनों ट्रक के बीच में मैं फंस गया था और वहाँ पे हल्का ड्रिलिंग हो रहा था। अरे यार चाबी गिरी है, तो वहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया, नहीं तो एकदम चौचक वाला साफ रहता। सेरामिक का कमल ही लगा। अरे हनी भैया अपना चुप हो जाओ यार। भाई ये खतरनाक लग रहा है फोर्स का, इसके लिए लोग 80,000 रुपए देते हैं, हम तो फ्री में कर दिए भाई। हाँ तो यहाँ से हमने खा लिया था एक ठो केक। ये देखो लाइनअप, देखो बाइकर्स का लाइनअप देखो। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि जल्दी पहुँचना भी है, काम है, बहुत सारा काम है। ये देखो लाइनअप भी स्टार्ट हो गया यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ का लाइनअप है, कुछ होगा ट्रिप वगैरह का। चलो हम भी निकलते हैं, वो लोग भी जाते हैं, चलो अच्छा है, साथ में चलेंगे। ओ भाई, ओ भाई, जिस चीज का इंतजार था वो फाइनली आ भी गया और चला भी गया। और ये देखो मैंने एक बार भी वाइपर नहीं चलाया, आप यहाँ पे कट देख के समझ सकते हो, एक बार भी वाइपर चलाया होता तो यहाँ पर रिंग बन जाता। ये ग्लास पे सेरेमिक कोटिंग किया हुआ है और इसका एडवांटेज देख के तो भाई मैं खुद ही चौंक गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे जो ड्रॉपलेट्स वो सीधा ऊपर भाग रहा है, भाई वाइपर का दरकार ही नहीं है, फुल फ्लेजेड बारिश हो रहा है, वाइपर चाहिए ही नहीं। हम तीसरा टोल ऑफ द डे, एंड भाई आसमान का कलर देखो यार, कितना अट्रैक्टिव बन गया, कितना देख के ही भाई ऐसे अंदर से फील हो रहा है कि बाहर उतर के नाचू। अभी तक NH16 पे चल रहे थे और अभी ये देखो अभी कनेक्ट कर गए हम, हाँ जी कर गए हम NH49 पे कनेक्ट, और यहाँ पे साइन बोर्ड भी आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, मैं जा रहा हूँ टाटानगर जमशेदपुर अपने कुछ काम के लिए, तो एक दो मीटिंग है वहाँ पे, उसको करेंगे। और वहाँ पे मेरा एक कस्टमर भी है, कस्टमर बोले तो अपना टर्बो का डिटेलिंग स्टूडियो का एक बहुत ही लॉयल कस्टमर है, उनका जो भी रिक्वायरमेंट होता वो मेरे पास ही आते हैं। अरे भैया तुम चुप हो जाओ पहले, तो उनके पास भी जाएंगे, थोड़ा मिल विल लेंगे। बाकी आप देखते रहिए, जैसे जो होता है आपको तो अपडेट मिलता ही जाएगा। से अपने का डिस्टेंस बाकी है ऑलमोस्ट 161 मतलब 161 किलोमीटर, जिसमें लगने वाला है 3 घंटा कम्प्लीटली। ETA अपना दिखा रहा है 10:26, ट्राई करते हैं कि 10 बजे के अंदर पहुंच जाए वहां पे। या आ गए हम कनेक्टर आइलैंड पे, इस जगह का नाम क्या एग्जैक्टली मेरे को नहीं मालूम, अभी हम तो चल रहे गूगल के भरोसे, बाया चले जा रहे हैं खोरकपुर सिटी और हम चले जाएंगे सीधा जमशेदपुर। ये खोरकपुर सिटी को बाईपास करते हुए हम निकल गए सीधा। सो फाइनली द माइटी लोधाशुली फॉरेस्ट इज हियर। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है अपन का इस रास्ते पे। ये फॉरेस्ट का जो जो रेंज है ना, ओफ ग्रीन मेरे को इतना पसंद है, हरियाली हरियाली जहाँ पे हो वहाँ पे हम बहते हुए चले जाते हैं। भाई साहब कितना ग्रीन है, डेंस पूरा एकदम, मॉनसून में तो और भी डेंस लग रहा है अपने को। लोधाशुली, द माइटी लोधाशुली फॉरेस्ट। शुली के बीच में अपन ले लेंगे अपना पहला हाईवे वाला सुसु ब्रेक, क्योंकि अरे भाई साहब यहाँ पे तो बम्पर जैसा बना हुआ है। थोड़ा टंकी को हल्का भी कर लेंगे और थोड़ा फोटोज वगैरह भी ले लेंगे। अरे वाह भाई साहब, अंदर से कीड़े मकोड़े जो किर 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 करते हैं उसका आवाज आ रहा है, गाड़ी क्या परफॉर्म कर रही है, साफ देख रहे हो भाई साफ। ये गाड़ी बारिश में चला हुआ है, खाली यहाँ पे देखने पे आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा मड और अलॉय थोड़ा सा गंदा, लेकिन ओवरऑल भाई साहब इतना साफ है। घास में सांप है क्या, कुरकुर करके आवाज़ आ रहा है, नहीं देखना है भाई। देख रहे हो अंदर डेंस, देखो भाई कितना
दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देखो 10x में देखो, कुछ नहीं है। और ये नज़ारा, अरे वाह। पीछे से गाड़ी को देखने पे थोड़ा बहुत गंदगी नज़र में आ रहा है, ये शायद यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा होगा। क्या चीज़ है भाई ये सेरेमिक, देख रहे हो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इत्तू सा है और यहाँ पे इत्तू सा है। ये यहाँ पे होने का कारण मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। यहाँ पे एक्चुअली सेरेमिक नहीं किया हुआ है, मैं ये डोर गार्ड जो है ना ये चेंज किया, पहले इतना बड़ा बड़ा था तो यहाँ पे सेरेमिक नहीं पड़ा, तो जहाँ पे देखो सेरेमिक नहीं हुआ है वहाँ पे पूरा गंदगी पकड़ लिया है। ये मेरे सामने जो फॉर्चुनर जा रहा है ना, ये मेरे साथ गोलाघाट से एक साथ आ रहा है, इसका पीछे का हालत देखो और अपने पीछे मतलब अपना गाड़ी का पीछे का हालत देखो, देख रहे हो पूरा लाल हो चुका है, पूरा लाल। ये नॉर्मल कंडीशन में है और अगर सेरेमिक करोगे तो पहले जैसा मैं दिखाया अपने गाड़ी का कंडीशन वैसा रहेगा। भाई सच में एक बात बोलूं, ये जो बगल वाला सीट है ना ये कभी खाली नहीं जाता। मिस तो कर रहा हो भाई, किसको, आपको तो मालूम ही है, अरे अपने मैडम जी को। क्या करें, काम के सिलसिले में जब जाना पड़ता है ना, फट से जाना फट से वापस आ जाना, इसमें अकेला ठीक है, और कहीं कहीं जगह जहाँ पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम नहीं दे पाएंगे, क्या फ़ायदा बोलिए। तो जो भी है लोधाशुली के बीच से जा रहे हैं, दोनों साइड पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, और हम ऐसे ग्लाइड करते हुए गाड़ियों के साथ भागते हुए, दो चार गाड़ी तो अपने साथ ही आ रहा है गोलाघाट से, वो फॉर्चुनर दिखाया, ये वाला डिज़ायर बहुत पीछे छूट गया था, मतलब आगे निकल गया था, मैं सुजुकी करने उतर रहा, तो फिर वापस टाटा बाय बाय कर देने का टाइम है इसको। ये अपन स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर गए, ये वेमेंट था कमर्शियल गाड़ियों के लिए वेमेंट का जगह, और ये हम घुस रहे हैं झारखंड में, अभी वेस्ट बंगाल को कर दिया टाटा बाय बाय और आ गया हम नए स्टेट पे। बाप रे बाप, रास्ते पे ये बड़ा बड़ा गड्ढा, वो वाला ट्रक इस पानी पे चढ़ गया ना, पूरा चारों ओर पानी इतना उछला, तो मैं रुक गया उसको देख के, मैं सोचा कि इसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा तो होगा ही शायद, इसके अंदर हो सकता है, रिस्क नहीं लेने का भाई। हाँ तो ठीक है, कोई गड्ढा नहीं था भाई, ट्रक वाला तुम कहाँ गिर गए यार। झारखंड का रास्ता भाई ऐसा सुंदर है, ऐसा वेल मेंटेन रोड का, मैं कब से 115-120 पे क्रूज कर रहा हूँ, पैर में क्रूज लग गया भाई, पैर में क्रूज कंट्रोल लग गया, सीधा वहीं पे पकड़ के बैठा हूँ, और हम चले ही जा रहे। लास्ट 10 मिनट तो मैं एक्सलेटर पैर ही नहीं उठाया, इतना अच्छा इतना खाली रास्ता। अपन रुक गए हैं एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए और एक तो सुसु ब्रेक के लिए, मतलब वही है सुसु ब्रेक और स्ट्रेचिंग ब्रेक एक ही हुआ, और ऊपर से साला ऊपर से गाड़ी में एसी में भाई एक प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जब भी हाई स्पीड में चला रहे एसी का कंप्रेसर कट हो जा रहा है और ब्लोअर का फैन स्पीड जो है मतलब ब्लोअर का स्पीड जो है एकदम लो हो जा रहा है। अरे यार बेचारा बटरफ्लाई मर के यहाँ पे अटक गया बेचारा, अरे जाओ जाओ, अरे यार तुम तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए बेटा, क्या करेंगे। सीट का हालत देख रहे हो, फुला दिया भाई मैंने, फुला दिया, अपने बम में कितना दम है देख लिया ना, चाबी निकाल लिया, मेरे को थोड़ा नीचे जाना है, ये नज़ारा देख के बहुत नीचे जाने का मन कर रहे हैं, चलो कोई नहीं आराम से चलते हैं, बहुत टाइम है अपने पास, बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है, बहुत जल्दी पहुंच गया, ETA से 2 घंटा पहले पहुंच जाएंगे लगता है। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, उतना भी तेज नहीं चलाता हूँ मैं। देखो धान का खेत चल रहा है, धान का खेती, और वो अपना बेबी, कितना भयंकर व्यू है। अभी वहां पे थोड़ा करके पहाड़ दिख रहा था, और ये जो खुशी मेरे मुंह पे दिख रहा है
ये खुशी मैं हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। तो जी अपन पहुंच गए हैं, वाव डॉल्फिन रिसोर्ट बोल के एक रिसोर्ट था। हाँ अपन पहुंच गए हैं जमशेदपुर सिटी के आउटस्कर्ट्स में। अभी आगे कितना 2.5 किलोमीटर में मैं लेफ्ट टर्न ले लूँगा तो सिटी के अंदर घुस जाऊँगा। तो उसके बाद हम सीधा जाएंगे अपना मीटिंग ख़त्म करने के लिए। आज एक मीटिंग है, कल एक मीटिंग है, तो आज वाला मीटिंग हम ख़त्म कर लेंगे 1 घंटा में। उसके बाद हम जाएंगे अपने डिटेलिंग स्टूडियो का एक कस्टमर है, बहुत ही लॉयल कस्टमर है वो, अपना सबसे पुराना कस्टमर है, तो उनके घर पे जाएंगे, उन्होंने बुलाया है, उनकी वहाँ पे स्टे करना है। सो या वहाँ पे चलेंगे, थोड़ा खाना पीना खाएंगे और देखेंगे इधर उधर कहीं जाना है तो जाएंगे। टिल देन मैं मीटिंग ख़त्म करके फिर आपसे मिलते हैं। लो ये अपन घुस गया जमशेदपुर सिटी और अपना लोकेशन पहुँचने में और लगेगा 22 मिनट, 9 किलोमीटर। अरे बाप रे बाप, कितना ट्रैफिक है रे, संडे को बाजार बैठ के यार रास्ते पे, तो इसीलिए 22 मिनट दिखा रहा है 9 किलोमीटर के लिए। हो गया है अपना काम जो था आज का। अभी हम है बेकार एकदम, टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा लेट पता है। तो अभी जा रहे हैं सर से मिलने के लिए, सर मतलब मेरा जो कस्टमर है, भैया जैसे बन गए हैं तो यहाँ पे आए हैं, उनसे ना मिलेंगे वो तो छोड़ेगा नहीं मेरे को। जो भी है चलते हैं उनके पास, पहले मिलते हैं उसके बाद दिखाते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखता हूं जहां,